नमस्ते आप सब श्रोताओं को। आज आपको फिर से स्वागत है आपके ही चैनल पर, सी द सोल, द ट्रुथ लाइज विद इन। आत्मा को पहचाने, आत्मा ही सत्य है और सत्य भीतर है हमारे, ये शरीर सत्य नहीं है। तो आज के वरदान में जाने से पहले हम इस लिंक पर जाएंगे, जो भी नए श्रोताएं हैं आप जाकर के फ्लेक्सिबिलिटी, योगासन, डाइट और सुनी कला सब कुछ यहाँ सीख सकते हैं। तो देखें आज परमपिता परमात्मा हमें इस वरदान में कहते क्या हैं। बाबा का आज का वरदान हमें रिगार्ड देना सिखाता है, क्योंकि रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। गिव रिस्पेक्ट, गेट रिस्पेक्ट। तो देना कैसे है, करें कैसे उसको, उसकी कला को आज परमात्मा से हम सीखते हैं। परमात्मा कहते हैं आज के वरदान में, हर एक की राय को रिगार्ड दे। हर एक की राय, हर कोई आपको आइडिया दे रहा है, गाइड कर रहा है कि ऐसे ना करो, ऐसे करो, उसको रिगार्ड देना। विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भवा। अगर हमारे अंदर अहंकार है तो फिर हम रिगार्ड नहीं दे सकते। हम बोलते, देखा, बोला था ना, कहा था ना, ऐसे ही होना था। परमात्मा कहते हैं ये सारी चीज़ें रिगार्ड देना नहीं हुआ। तो परमात्मा कहते हैं, विस्तार में चले, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, कोई अगर छोटा आपके सामने आए, कोई आपके सामने बड़ा आए, आप हर एक की राय को रिगार्ड ज़रूर दो, क्योंकि कोई की भी राय को ठुकराना गोया अपने आप को ठुकराना है। मतलब कि हो सकता है उसमें कुछ सही बोला हो, कोई सही बात हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, और हमने, हमसे छोटा है तो हमने अहंकार में आकर के बोल दिया उसको, कोई बड़ा है तो हमने, वो अगर हमसे गुस्से से बोलते हैं तो उनको हमने ठुकरा दिया कि भाई इनकी कौन बात मानेगा। तो परमात्मा कहते हैं कि अपने आप को ठुकराना है, कि उसमें कोई ना कोई हमारा ही फायदा था लेकिन हमने उसको ठुकरा दिया। इसके लिए अहंकार या देह अभिमान कम होना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसलिए यदि किसी के व्यर्थ को कट भी करना है, अगर कोई आपको आकर के व्यर्थ राय दे रहा है, आपको पता है कि इसमें सत्य नहीं है, या इसमें उनकी कोई विकारी सोच है, या क्या इसके अंदर उनकी कोई कमजोरी है, उनको डर है किसी चीज़ का, इसलिए आपको राय दे रहे हैं, लेकिन आपको डर नहीं है, अगर उनको अहंकार है लेकिन आपको अहंकार नहीं है, उनको कहीं पर इनसिक्योर फील हो रहा है इसलिए वो राय दे रहे हैं लेकिन आपको इनसिक्योरिटी नहीं है, तो फिर भी आप उनको रिगार्ड दो, व्यर्थ है वो। कोई भी कट भी करना है तो पहले उसे रिगार्ड दो, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, इसको समझ लेते हैं, अच्छा ठीक है, सोचेंगे, इसको हम ख्याल रखेंगे, इस बात का रिगार्ड दो। सोमान दे फिर शिक्षा दो। आप तो बहुत ही समझदार हैं, आपने राइट टाइम पर सब कुछ बताया, आप राइट टाइम पर हर चीज़ करते हैं, आपको बहुत ही एक्सपीरियंस है, आपको हर चीज़ का ज्ञान है, आपने ये पहले भी किया था। हाँ जी बिल्कुल, सोमान देना उनको, रिगार्ड देना उनको, सोमान, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट देना, ये भी तरीका है, ये भी एक तरीका है। काटना नहीं है डायरेक्ट, क्या बेकार की बात कर रहे हो, ऐसे थोड़ा होता है, ऐसे थोड़ा सोचा जाता है, आपको समझ नहीं है क्या है, तुम इतने बड़े होकर के तुम ऐसे सोचते हो, ये चीज़ करना ही हम करते हैं ज़्यादातर, ये करना नहीं है, छोटे हो छोटे ही रहो, ये चीज़ करनी नहीं बिल्कुल, क्योंकि इसमें ना रिगार्ड दिया, ना उनको रिस्पेक्ट दी, ना उनको सम्मान दिया, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं दी उनको हमने, तो ये चीज़ करने से हमारे संबंध खराब होते हैं और हमें भी रिगार्ड नहीं मिलता, हर कोई फिर अहंकार में आकर के हमें गिराने की कोशिश करेगा। आप किसी को भी एक बार गिराओ, वो आपको 16 बार गिराएगा ही गिराएगा। अब ये 16 का क्या इसमें आंकड़ा है, ये 16 कहाँ से आया, इसको समझने के लिए आप ब्रह्म कुमारी इसमें आइएगा ज़रूर। तो परमात्मा कहते हैं, जब ऐसे रिगार्ड देने के संस्कार भर जाएंगे औरों को, तो विश्व से आपको रिगार्ड मिलेगा। तो विश्व से हमको रिगार्ड मिलेगा, हमें मांगना नहीं पड़ेगा रिगार्ड। तो हर एक को रिगार्ड देना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कुछ भी कहें, चाहे आपको उनकी बात ठीक ना लगे, लेकिन फिर भी उनको रिगार्ड देना उनकी बात के लिए, क्योंकि उसके अंदर उनकी शायद से फिक्र हो, चाहे कोई भी उनकी भावना हो, उसको हमें रिगार्ड देना बहुत ज़रूरी है, तभी तो संबंध बने रहेंगे। नहीं तो मजाक उड़ा देना उनका, या उनको ठुकरा देना, ये सारी चीज़ें करने से हमें ना रिगार्ड मिलेगा वापस कभी जीवन में, और ना ही संबंध ठीक रहेगा। फिर परमात्मा कहते हैं, इसके लिए बालक सो मालिक, बालक सो मालिक। बालक ही क्या होता है, मालिक बनता है ना, बच्चा जो होता है वो मालिक बनता है। तो बालक सो मालिक, कि जब आप छोटे हो लेकिन आपको निर्णय लेना हो तो आप मालिक बनकर के लो निर्णय, कि हाँ ये राइट है, ऐसे लिखनी है, ऐसे करना चाहिए, और फिर मालिक सो बालक बनो। और अगर आपको पोजीशन दी जाए, पोस्ट दी जाए कि आपको डिसीजन बनाना है इस चीज़ का, तो आप उस समय छोटे नम्र बन जाओ, सबकी सुनो आप उस समय, तो मालिक ही क्या बन जाए, बालक बन जाए। जी हजूर, अच्छा जी, अच्छा ठीक है, हाँ जी ये बात भी सही है, ऐसे है। और जहाँ पर आपको बालक सो मालिक
अगर आपके पास में आइडिया है तो आप फटाफट उस चीज़ को आप फटाफट बताएं, और जहाँ पर आपको रिगार्ड दिया जा रहा है, आप ऊंची पोजीशन पे हैं, वहाँ पर आप सबकी सुने। तो ये एक बहुत ही बेहतर एक तरीका है बैलेंस रखने का संबंधों में, जो कि सीखना है, मैं भी सीख रहा हूँ। मुश्किल नहीं है, लेकिन सीखना बहुत ज़रूरी है। बुद्धि बेहद में शुभ कल्याण की भावना से संपन्न हो। अगर सबके लिए शुभ भावना होगी आपकी, तो ऑटोमेटिकली रिगार्ड या रिस्पेक्ट निकलेगा। लेकिन औरों के प्रति शुभ भावना नहीं है, अगर मैंपन ही है सिर्फ, तो फिर औरों को रिगार्ड देना मुश्किल हो जाएगा। तो आज का ये श्रीवर्धन बहुत गहराई से सोचिएगा कैसे बैलेंस को लेके आए। अगर आपके पास में कोई कमेंट हो तो आप ज़रूर उस कमेंट को डालिएगा, हम उसको देखेंगे, रिव्यू करेंगे और फिर से उस पर वार्तालाप होगा। तो आज का आपका ये ईश्वरीय वरदान, आप सुखी रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। ओम शांति।